इसमें एलसीएम अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो √3 एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया। नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ऊपर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 मल्टीप्लाई किया तो √3 आया। अब दोनों में ऊपर वाला साइन अगर मैं यूज करता हूं तो आई विल गेट -1 + 3 अपॉन √3 + √3, दैट इज √2। और अगर नीचे वाला साइन यूज करता हूं तो -1 - 3, दैट इज -4 अपॉन, ये तो 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। वी ऑल्सो कॉल इट इंफिनिटी, बट वन थिंग इज क्लियर कि एक वर्टिकल लाइन होगा बिकॉज थीटा इस केस में 90 होता है, थीटा इस केस में 90 होता है। खैर वो बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो स्लोप आपको मिल गया, पॉइंट आपको पहले से पता था, इक्वेशन हो गया y − y1 = m × x − x1, दैट इज y = x/√3। इधर देखते हैं, y − y1 = m × x − x1। अब मैं कुछ बताने वाला हूं आपको, ऐसा करना मत, लेकिन सी 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -4x x = 0, आंसर बिल्कुल सही है। हाँ मेथड आप ये यूज नहीं करना चाहिए, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस। तो अगर ये यूज नहीं करेंगे तो क्या बचा अपने पास? सो अपने पास बचा है ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है x = α और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है y = β। आप x = x1, y = y1 भी बोल सकते हैं। नाउ द आइडिया इज, जो वर्टिकल लाइन होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब x = 0 के पैरेलल है, x = 0 के पैरेलल है तो सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा x = α। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0, अब y = 0 के पैरेलल है तो सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा कि ये y = β हो गया। सो दिस इज हाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे पता चल गया कि वर्टिकल लाइन है तो इक्वेशन हो जाएगा x = α। अब 0 0 से पास कराना है तो अल्फा क्या है? 0 है, तो आंसर आ गया x = 0, दैट इज एक्चुअली वाई एक्सिस। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैं डायग्राम के तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम्स का यूज करके काम बहुत बहुत आसान हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ। सबसे पहले डायग्राम में क्या करना है, तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे स्केल सेम होना चाहिए। स्केल अगर सेम नहीं बनाओगे तो डायग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाओगे डायग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं है। सो अब डायग्राम बनाना है, उसमें लाइन बनानी है, लाइन के लिए तो सिर्फ दो पॉइंट चाहिए होते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लो अपना काम चल जाता है। बट हम क्या दो पॉइंट लेने वाले हैं, एक बार एक्स कोऑर्डिनेट 0 लो तो वाई एक्सिस का पॉइंट मिलेगा, एक बार वाई कोऑर्डिनेट 0 लो एक्स एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा, बस बहुत है। तो वाई को 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू 9 आएगा, अब 9 ऐसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेट्स कॉल इट 9 6 3। अब ये अगर 369 है तो ये भी 369 होगा। अच्छा एक्स को 0 किया तो वाई का वैल्यू 9 अपॉन √3 मतलब 3√3, 5 point something 6 से थोड़ा पहले, इसको ज्वाइन करेंगे सो दिस वुड बी योर लाइन। एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी किसी इक्वेशन में √3 जैसा टर्म आता है ना तो कहीं ना कहीं 30 60 डिग्री होता ही है। डू यू सी एनी 30 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री? ये 60 है और ये 30 है, ये भी 30, 30 क्यों? इसका स्लोप क्या है? स्लोप है -1/√3 मतलब -30 डिग्री, तो ये -30, क्लॉकवाइज है तो माइनस, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 60। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनाना है, सो सपोज ये एक लाइन है, यहां से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, सो हमें बेस पे 60 डिग्री एंगल की जरूरत पड़ेगी। अब 60 कहां होगा, ऐसे ऐसे करके तो बना नहीं सकते, हिट एंड ट्रायल हो गया। तो इसका प्रॉपर मेथड मैं बताता हूं, वो होता है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। नाउ टेल मी, यहां अगर 60 बनाना है तो यहां क्या बनाना होगा? सो हेयर वी आर गोइंग टू ड्रॉ 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 है। सो वी नो दैट ये लाइन फिक्स है, क्योंकि ये लाइन फिक्स था, ये पॉइंट फिक्स था, सब कुछ स्टैंडर्ड चल रहा है भी। अब इससे 30 डिग्री इधर बना लो, 30 डिग्री इधर बना लो, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे भी यही करने वाले हैं। अपोजिट वर्टेक्स इज ओरिजिन, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इससे 30 डिग्री इधर और इससे 30 डिग्री इधर। ओहो, ये तो वाई एक्सिस ही दिख रहा है। सो द स्टोरी इज कि इट इज एक्चुअली वाई। ये 30 है तो ये 60 था, 60 में 30 ऐड करोगे तो 90 तो होगा। एग्जैक्टली वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू जीरो, देखो आंसर आ चुका है। कुछ नहीं किया, डायग्राम भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अब इससे 30 पीछे आओगे तो बाकी का बचा भी 30, और ये 30 है तो इसका स्लोप 1/√3, स्लोप 1/√3 0.00। लो जी, ये भी आंसर आ गया। तो ये जो इतना हमें माथापच्ची करनी पड़ी है, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, डायग्राम बना के अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। अब इतना इफेक्टिव डायग्राम बनाने के लिए यू नीड टाइम। आपको टाइम मतलब एक क्वेश्चन में नहीं, थ्रू आउट द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हाउ यूजफुल इट इज टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बनाना बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत यूजफुल होता है, आपका बहुत सारा टाइम बचता है। डायग्राम बनाने में जो टाइम लगना है वो लगना है, उसके बाद 30 सेकंड के अंदर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अगर आप डायग्राम प्रॉपर बनाएंगे तो यू विल बी सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन 30 सेकंड आफ्टर द डायग्राम। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग और कैसे डायग्राम बना रहे। डायग्राम में इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स वाई का स्केल सेम रखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व वन क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एंगल कितना बनना है हमें, 45 45। तो स्लोप क्या हो जाएगा, याद है एम विच इज 3/4 प्लस माइनस टैन थीटा अपॉन 1 - एम टैन थीटा। टैन 45 तो 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ऐसा। ऊपर वाला साइन लिया तो 7 आया, नीचे वाला साइन लिया तो -1/7 आया। वापस से देखो क्या है आपस में, इनका प्रोडक्ट -1, क्यों, परपेंडिकुलर ही होंगे ना भाई, ये दोनों लेग्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। देखो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, काम खत्म। y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, और दूसरी लाइन y - y1 इक्वल टू m x - x1। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला विच इज m इक्वल टू m प्लस माइनस tan alpha अपॉन 1 - m tan alpha। ये स्ट्रेट लाइन में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं, उसमें से एक ये है, एक गिवन लाइन के साथ गिवन एंगल फॉर्म करते हुए लाइन के बारे में। गिवन लाइन के साथ गिवन एंगल है तो आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। सो दैट्स इट अबाउट दिस इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग अल्फा विद वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके क्वेश्चन आगे आते रहेंगे, वी विल कीप ऑन सॉल्विंग दिस, एंड नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बिफोर दैट, थैंक यू।